भगतनाथ भगवान की। अब ठीक है, बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। धर्म स्नेही बंधु हो, परस्पर ग्रहो जीवानाम, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना। कर भला तो हो भला, सुना है? लेकिन वर्तमान में कर भला तो वर्तमान में गाय घास खाती है, बोलिए, और दूध देती है। इंसान मीठा खाता है और कड़वा बोलता है। एक कौन सी मशीन है भाई, हैं? गाय के अंदर ऐसी मशीन लगी है, गाय के अंदर ऐसी मशीन लगी है कि हरी हरी घास खाती है और बदले में दूध देती है। यानी मशीन बढ़िया है, यानी मशीन बढ़िया है। और इंसान मीठा खाता है, वो कड़वा कैसे हो जाता है? डालता तो मीठा है और निकालता कड़वा है, ये कैसे संभव है भाई? जैसा ऐसा सुना है ना, जैसा बीज डालोगे वैसा पेड़ होगा। लेकिन इंसान के अंदर ऐसी कौन सी उल्टी, कौन सी गड़बड़ मशीन लग गई कि वो मीठा खा के कड़वा बोलता है? आप बताओ, साल भर में आप करेला कितने दिन खाते हो? मुश्किल से 10-15 दिन, 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन मान लो। इससे ज़्यादा करेला नहीं खाते हो। और मीठा कितने दिन खाते हो? और मुँह से निकलता क्या है? करेला ज़्यादा निकल रहा है या मीठा ज़्यादा निकल रहा है? परस्पर ग्रहो जीवाना, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना है तो वाणी के माध्यम से भी बहुत उपकार हो सकता है, बहुत उपकार हो सकता है। यदि वाणी को संयमित कर लिया जाए, वाणी को सुधार लिया जाए, तो वाणी ही बड़े बड़े काम करवा देगी। वाणी के माध्यम से बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं और वाणी के माध्यम से बड़े बड़े युद्ध टल जाते हैं। वाणी ही राई को पहाड़ बना देती है और वाणी ही पहाड़ को राई बना देती है। आप बात को जितना खींचना चाहें, जितना खींचना चाहें खींचते चले जाओ, कोई एंड नहीं है। लेकिन वाणी को आप उसको शांति की भाषा बोलकर कितनी भी बड़ी बात हो उसको छोटा बना दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ा बना दिया है, किसको भुगतना पड़ेगा? जो कर रहा है उसे भुगतना पड़ेगा और जो साथ रह रहा है उसे भुगतना पड़ेगा, है ना? एक बार की बात है कि एक व्यक्ति की नाक कट गई। क्या हुआ? नाक कट गई। अब लोगों को कड़वा बोलने में बहुत आनंद आता है, सुनने में आनंद नहीं आता है, बोलने में बहुत आनंद आता है। अब उसकी नाक कट गई तो सारे गांव वाले उसे नक्कटा नक्कटा बोले। क्या बोल रहे हैं उसे? नक्कटा बोल रहे। अब नक्कटा भले वो है मगर सुनने में अच्छा नहीं लगता है। बात सही है कि नहीं है? किसी व्यक्ति की एक आँख नहीं है, वो काना है, लेकिन उसे कोई कहे अबे काने इधर आ, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इतने के तो सूरदास जी इधर आओ, आंखें नहीं है, नज़र नहीं आता, सूरदास जी इधर आओ। बात वही है, क्रिया दोनों में एक है, बुलाया दोनों में है, लेकिन एक में कैसे बुलाया और एक में कैसे बुलाया? अब सारे लोग उसको नक्कटा नक्कटा बोलते, उसको बहुत बुरा लगता और बड़े व्यंग्य में बोलते और बड़े तीखे तीखे वाणी के बाण लगा के बोलते। उसको मन में गुस्सा तो बहुत आता लेकिन नाक तो कटी थी इसलिए कुछ जवाब भी नहीं दे सकता था। उसने भी मन में सोच लिया, जब तक सबको नक्कटा ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी नक्कटा नहीं।
अब एक दिन वो बाजार के बीच में खड़ा हो गया, ऊपर देखा और बड़े खुश होके नाचने लगा, नृत्य करने लगा, प्रसन्न होने लगा, खिलखिलाने लगा। लोगों ने पूछा, नक्कटा क्या हुआ? बोले, मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, लोगों ने ऊपर देखा, बोले हमें तो नहीं हो रहे। अरे, तुम्हारी नाक बीच में आ रही है तो कहाँ से तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे? तो सारे गांव वालों ने मीटिंग करी और मीटिंग करके आपस में कहा, पहले एक व्यक्ति नाक कटवाओ, यदि उसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो हम सब नाक कटवा लेंगे। अरे, एक भगवान के दर्शन करने में नाक ही तो कटवानी है, कौन सा बड़ा काम करना है? एक नाक कटवाने से यदि भगवान के दर्शन हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है, हम कटवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक व्यक्ति ने नाक कटवा ली, अब उसने ऊपर देखा, उसको तो नहीं हुए, तो उसने जो नक कटा था उसके कान में कहा, बोले मुझे तो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। बोले, चुप रहे, यदि तू कहेगा नहीं हो रहे तो सब तुझे नक कटा कहेंगे, तू तो ऊपर देख, नाच और बोल कि तुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब वो नाचने लगा, अरे मुझे तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं। गांव वालों को विश्वास हो गया, यदि इसने नाक कटवाई इसको भगवान के दर्शन हो गए, तो सारे गांव वालों ने नाक कटवा ली। अब वहां कोई किसी को नक्कटा कहने वाला, ये है वाणी का प्रभाव कि एक व्यक्ति को नक्कटा नक्कटा कहा तो उसने सारे गांव वालों की नाक कटवा दी। तो वाणी एक बहुत अमूल्य चीज है, ये अमृत का काम करती है, ये जहर भी बन जाती है, ये मिलन भी करा देती है, ये लड़ाई भी करा देती है, इससे चाहो तो सामने वाले को बड़ा भी बना देती है और इससे चाहो तो सामने वाले को छोटा भी बना देती है। यानी बड़े छोटे तुम कुछ भी नहीं हो, सामने वाले ने यदि तुम्हारी तारीफ कर दी हो, दो चार तुम्हारे गुणों का बखान कर दिया, तुम बड़े बन गए। बड़े तुम कैसे हो? दूसरों के कहने की वजह से ही तो बड़े हो ना, तुम अपने आप तो बड़े नहीं हो ना। यदि जंगल में एक अरबपति व्यक्ति रहता है, जंगल में खूब धन सोना चांदी, सोने के पहाड़ हैं उसके पास में, और बाकी वहां समाज कोई नहीं, अकेला रहता है, तो क्या वो बड़ा आदमी है? बड़ा आदमी किसके कारण से है? छोटे के कारण से। यदि छोटा ना हो तो तुम बड़े कैसे? यदि घर में एक ही लड़का है तो बड़ा भाई कहाँ, ना बड़ा है ना छोटा, एक ही है, उसे बड़ा किसने बनाया? छोटे ने उसको बड़ा बनाया है। भाई जेठानी है तो जेठानी क्यों बनी? क्योंकि देवरानी है, देवरानी ना हो तो जेठानी का क्या कोई रोल ही नहीं है। तो जंगल में रहने वाला एक बड़ा आदमी भी बड़ा आदमी नहीं है, तुम्हें बड़ा कौन बना रहा है? छोटा है तो तुम बड़े हो, और तुम छोटे को और छोटा बनाओ तो छोटा कहेगा मैं भी तुम्हें छोटा बना दूंगा। तो बड़ा यदि बना सकते तो वाणी से ही बड़ा बनाया जा सकता है और वाणी से ही छोटा बनाया जा सकता। आज गांधी जी के पास में, ये बताओ गांधी जी के पास में धन था क्या, पैसा था क्या? नहीं। क्या था उनके पास में जो आज उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी? बोलिए, क्या था उनके पास में? धन के कारण बड़े नहीं थे, वो सुंदर लगने के कारण बड़े नहीं थे, वो कपड़े अच्छे कपड़े पहनने के भी कारण बड़े नहीं थे। आज लोग बड़े बनते हैं, अच्छे कपड़े पहन पहन के बड़े बनना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनने के कारण भी वो बड़े नहीं थे। वो बड़े क्यों थे? अपने कार्य के कारण, अपने गुणों के कारण, अपनी प्रभावना के कारण, उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया। जो मानव के अंदर एक शक्ति होती है उसका उपयोग किया और वो बड़े बन गए। यदि कोई धन से बड़ा बना है तो आज धन है तो बड़ा है, और कल धन नहीं है तो छोटा है। कल धन नहीं है, धन का क्या पता, लक्ष्मी का क्या पता, वो तो चंचल है। सरस्वती की प्रतिमा आपने देखी होगी, हमेशा बैठे हुए होती है, और लक्ष्मी की प्रतिमा हमेशा खड़े हुई, फोटो आपने देखी हो तो खड़ी हुई रहती है। इसका मतलब आपने कभी समझा? सरस्वती आती है तो आके जम जाती है, तुम्हारे पास बैठ जाती है, और लक्ष्मी खड़े खड़े आती है और जब इच्छा होगी भाग जाएगी। इसलिए लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी चपला है। तो बड़े बनने के लिए किसकी जरूरत है? धन की? नहीं। सुंदर लगने की?
नहीं, किसकी जरूरत? भगवान बड़े हैं कि छोटे हैं? बोलिए ना, भगवान सबसे बड़े हैं। क्या है? भगवान सबसे बड़े हैं। भगवान सबसे बड़े इकट्ठा करके बने कि त्याग करके बने? भगवान बड़े जो बने तो इकट्ठा करके बने कि त्याग करके बने? आप उनके भक्त हो कि नहीं हैं? आप कैसे बड़े बनना चाहते हो? जो जितना बड़ा त्याग करेगा उतना बड़ा बन जाएगा, जो जितना कम त्याग करेगा उतना। तो ये सारी बातें कहाँ से पता चल रही? वाणी से तो पता चल रही है, बोल रहे हैं तभी तो पता चल रही है। बोलने से विचार बदलते कि नहीं बदलते? अब आप टॉकीज हॉल में बैठे हो, आप थिएटर में बैठे, सिनेमा हॉल में बैठे हो, और वहाँ बैठकर आप वहाँ का गीत संगीत, वहाँ जो कुछ हो रहा आप उसको सुन रहे हो, आपके भाव बदल रहे कि नहीं बदल रहे? वाणी वहाँ भी काम कर रही है। आप यहाँ बैठे हो, प्रवचन सुन रहे हो, भाव बदल रहे कि नहीं बदल रहे? किसके कारण? वाणी के कारण। किसके कारण? वाणी के कारण। एक वाणी ही नरक बना देती है और एक वाणी ही स्वर्ग बना देती है, और वो सारी वाणी आपके पास है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है। तो आपने अपनी वाणी से क्या बनाया है? मनुष्य गति बनाई है, ना पूरा स्वर्ग बनाया है ना पूरा नरक बनाया। हम तो बीच वाले हैं, ना हम ऊपर के हैं और ना हम नीचे के हैं। मनुष्य गति बनाई, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक सीमित हो ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा गुस्सा कर लेते हो, थोड़ा प्यार कर लेते हो, थोड़ा थोड़ा सब कर लेते हो। लेकिन मनुष्य पर्याय की सार्थकता कब है? अब ये देखो, मनुष्य बन के मनुष्य बने रहना है या मनुष्य बन के देवता बनना है? वो संभावना भी आपके अंदर में है। मनुष्य बनकर नारकी बन जाए वो भी है, मनुष्य में पशु बन जाए वो भी है, एक मनुष्य देवता बन जाए वो भी है, और एक मनुष्य भगवान बन जाए वो संभावना भी आपके अंदर में है। तो हमें अब हमारी दृष्टि कहाँ रखनी है? हमें नीचे ही रखनी है दृष्टि, या नीचे रहकर दृष्टि ऊपर रखनी है? रखनी तो ऊपर है, मगर नीचे वालों के में इतने उलझ जाते हैं कि ऊपर उठ ही नहीं पाती है। 24 घंटे नीचे वालों में उलझे रहते हैं। नीचे मतलब जो साथ में रहते हैं, जहाँ रह रहे हैं, जहाँ मोह और माया, कितनी चीज़ें, बस ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस दो ही चीज़ें। दो चीज़ में पूरा जीवन आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोह और माया, माँ से मोह, माँ से माया और माँ से मोक्ष। मोह और माया के चक्कर में इतना उलझ गए कि मोक्ष रह गया, कि मोक्ष को भूल गए। अब मोह और माया को छोड़कर यदि मोक्ष की तरफ जाएं, तो संभावना है कि नहीं आप जा सकते हैं कि नहीं? बोलिए ना, शक्ति है कि नहीं आपके अंदर में? अपनी शक्ति शक्ति को तो पहचानो। चलो नहीं जा रहे वो बात की बात है, ये तो पता होना चाहिए तुम्हारी तिजोरी में कितना धन रखा है, कितने नोट रखे हैं, कितना सोना रखा है, कितनी चांदी रखी, पता है कि नहीं पता है? वो आपकी तिजोरी है। ये आत्मा की तिजोरी में देखो कि कितना धन रखा है आपके पास में। जैसे आप अपनी तिजोरी का धन का उपयोग नहीं करते हो, ऐसे आप अपने गुणों का उपयोग नहीं करते हो। जैसे तिजोरी के धन को उपयोग करने में कंजूसी करते हैं, ऐसे गुणों की तरफ ध्यान ही नहीं रहता है कि हमें अपने गुणों का ही उपयोग करना है। जैसे घर में बाहर जितने बर्तन हैं, घर के और चीजें हैं, उन सब का तो उपयोग दिन भर करते हो, मगर तिजोरी का उपयोग दिन भर नहीं करते हो। ऐसे ही अपने गुणों का उपयोग दिन भर नहीं करते हो, बस मोह और माया के कारण जो क्रोध मान माया लोभ लगा है, हिंसा झूठ चोरी कुशील लगी है, बस इसमें ही उपयोग लगाए रखते हैं। धन की तरफ उपयोग जाता ही नहीं है। तो होशियार कौन, बुद्धिमान कौन, जो तिजोरी की तरफ देखे या केवल बाहर की तरफ देखे, जो तिजोरी के धन का उपयोग करे। अब घर में शादी हो रही है, अब शादी में आप धन खर्चा ना करो। अरे मत खर्च कर, रखा रहने दे, काम आएगा कभी और, अभी काम आने के लिए रखा है। खर्चा नहीं करोगे तो बेटा क्या कहेगा? बोलिए बेटा क्या कहेगा?
हाँ ढंग से शादी नहीं करोगे, मेरे दोस्तों की शादी देखो कितने अच्छे से हुई है, मुझे तो कंजूस बाप मिला है, शादी में धनी खर्चा नहीं कर रहा है। अब हो सकता है कि ना हो और हो सकता है कि हो, दोनों बातें हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि हो। कई बार पिताजी के पास ना हो कर्जा लेना पड़े, कई बार ऐसा भी हो सकता है, तो उस समय फिर अपना ज्ञान लगाने की ज़रूरत है। लेकिन बात इतनी चल रही है कि हमारे पास में हमारे गुणों का कितना धन रखा हुआ है, एक बार हमें दरवाज़ा खोल करके देखना पड़ेगा, बिना देखे काम होने वाला नहीं है। तो इसके लिए स्मरण करना पड़ेगा कि मेरे अंदर गुण हैं, तो इसके स्मरण के लिए कहाँ जाना पड़ेगा भाई, कोई और बताएगा ना कि हमारे अंदर गुण हैं। आपकी तिजोरी में इतना या आपके घर के कमरे के अंदर जमीन के नीचे धन गड़ा हुआ है, आपको नहीं पता है, कोई और बताएगा आकर के, है ना। तो भगवान के दर्शन करने रोज जाते हो ना, अरे बोलिए ना, कौन कौन जाता है। अच्छा, तो भगवान के दर्शन करने के बाद में क्या सोचते हो, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो विज्ञाणम, नमो ले शभशाणम, उदक चंदन तंदुल पुष्प नीरगंधक्षण पुष्पति स्वाहा, इतना ही तो करते हो, इससे आगे नहीं बढ़ते हो। तो भगवान का दर्शन हमारे धन को दिखा रहा है, भगवान ने वो खजाना प्राप्त कर लिया है। भगवान के दर्शन करने का मतलब ही यही है, भगवान के रोज देव दर्शन करने का नियम का मतलब यही है कि एक बार अपनी आत्मा के दर्शन हो जाएं। इन्हें देख करके जैसे आईना में आप अपनी चेहरे की तस्वीर देखते, चेहरा देखते हो, कोई दाग तो नहीं लगा, चेहरा सुंदर है ना, तो आईना ने दिखाया आपको, भगवान आईना है, इसमें इस आईने में आपने पुद्गल के शरीर की तस्वीर देखी है और भगवान रूपी आईना में अपनी आत्मा की तस्वीर देखना है कि भगवान जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ, जितने गुण तुम्हारे अंदर हैं उतने गुण मेरे अंदर हैं, जितना सुख तो आपके अंदर है उतना सुख मेरे अंदर है, भगवान मैं आपके जैसे कब बनूंगा। यदि मंदिर जाने के बाद में आपने इस भाव से दर्शन कर लिए तो दर्शन करने का फल मिल गया, और वरना दर्शन तो देखो सभी कर रहे हैं, तुम अर्घ चढ़ा लेते हो और अर्घ नहीं चढ़ा पाते हैं, बाकी दर्शन में कोई अंतर नहीं रहा। एक चिड़िया आती है वो भी भगवान को देखती है कुछ नहीं सोचती है, छिपकली भी वहाँ रहती है वो भी भगवान को देखती वो भी कुछ नहीं सोचती है, तुम भी मंदिर गए तुमने भी भगवान को देखा और कुछ भी नहीं सोचा। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, जब तक तन के दर्शन से, भगवान के तन के दर्शन से चेतन के दर्शन ना हो जाए तब तक दर्शन का फल पूर्णता नहीं हो पाता है। तो ये सब बातें कहाँ से पता चलती हैं, शास्त्रों से। और फिर जब भगवान के दर्शन कर लिए अब आंख बंद करके बैठ जाओ, अब अपने खजाने में देखो क्या क्या रखा है, अनंत सुख है, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर्य है, अनंत शक्ति है, मैं तो गुणों का भंडार हूँ, मैं तो सुख का भंडार हूँ, क्यों परेशान हो रहा हूँ। भगवान के दर्शन करने के बाद यदि ऐसी भावना आ गई तो सुख तो तुम्हारे अंदर में भरा पड़ा है। एक बार करो तो भगवान के दर्शन, जिस उद्देश्य के लिए मंदिर जाते हो, आज तक आप कितने साल से मंदिर जा रहे हैं, कितने साल हो गए मंदिर जाते, कितने चावल चढ़ा दिए आपने, कितने अर्घ चढ़ा दिए, कितने फल चढ़ा दिए, कितना जल चढ़ा दिया, लेकिन उसका आपने मतलब निकाला कि नहीं निकाला। पूजा करने का क्या मतलब है, जल चढ़ाने का क्या मतलब है, बस किताब में लिखा है कि जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, तो भगवान आपने बताया होगा लिखा इसीलिए है, इसलिए जल चढ़ा दिया मैंने, चंदन चढ़ा दिया, संसार ताप विनाश ना है, आपको ताप लगा था तो आप मोक्ष में चले गए, हमें तो लगता नहीं, जल्दी घर जाना, सबको खाना खिलाना, चंदनम निरपामति स्वाहा। बताइए पूजा का फल लिया क्या आपने, अक्षय पद प्राप्त है, क्या होता है अक्षय पद, आपसे ही पूछती हूँ, ये अक्षय पद का क्या मतलब होता है, खूब अक्षत चढ़ा लिए आज तक, मतलब क्या होता है ये भी तो बताओ मुझे। जिस पद का क्षय ना हो,
किसका, जिस पद का क्षय ना हो उसको कहते हैं अक्षय पद। इस समय कोशिश किसकी करते हैं, अध्यक्ष बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, वोटिंग करते हैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, कोशिश कौन से पदों की चल रही है, वो पदों की। और अर्घ किसके लिए चढ़ रहा है, अक्षय पद के लिए। बताइए, दिमाग ही नहीं गया अक्षय पद तक। तो जिसको ये पद सताने लगे ना, उसको अक्षय पद की याद आएगी। अक्षय पद तो चलो मोक्ष का हो गया, विधायक पद का तो नजर आता है कि वो अक्षय पद नहीं है, छैवत पद है, 5 साल बाद उससे निकलना पड़ेगा। कुछ पद घर में भी होते हैं जो अपने आप मिल जाते हैं, दिए नहीं जाते हैं। बच्चे का जन्म हुआ, मम्मी और पापा का पद अपने आप मिल गया। बोलिए मिला कि नहीं मिला, अरे हाँ तो बोल दीजिए, मिल गया ना। अब बेटा आपको मम्मी ना बोले कैसा लगेगा, चाची को मम्मी कहने लगे और आपको मम्मी ना बोले, आपसे दूर रहे, आपको अपना पद डिगता हुआ नजर आएगा, कष्ट होगा नहीं होगा। जैसे विधायक को विधायक की पदवी ना मिले, हार जाए तो उसे कष्ट होता है, उससे कहीं ज्यादा कष्ट उस माँ को होगा। मेरे माँ होने का क्या मतलब है, यानी माँ रूपी पद होने का क्या मतलब है। पिता को पिता ना माने तो पिता को कष्ट होने लगेगा। तो ये घर के पद हैं जो बिना चुनाव के रिश्तों के हिसाब से अपने आप मिल जाते हैं। और यदि इनके हिसाब से आपको घर में वो चीज़ ना मिले तो परेशानी होती है। लेकिन ये मम्मी वाला पद और पापा वाला पद, और आपके बहुत सारे होते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, और बताइए मौसा मौसी, मामा मामी, फूफा फूफी, और हाँ समधी, साला साली, समधा समधन समधी, बहुत सारे पद होते हैं, है ना। तो इन पदों को आप सारी जिंदगी निभाते हैं, सारी जिंदगी निभाते हैं। लेकिन क्या ये पद अक्षय पद हैं, क्या ये कभी छूटेंगे नहीं। जो मम्मी का पद है कभी छूटेगा नहीं, कभी समधन समधी का पद है कभी छूटेगा नहीं, चाचा चाची का पद है कभी छूटेगा नहीं, क्या छूटेगा। जैसे शरीर से आत्मा निकली और शरीर के संबंध खत्म हो जाएंगे, यानी ये पद भी अक्षय नहीं है। अब संसार में बहुत से लोग ये सोचेंगे ना, अरे हमें अक्षय अध्यक्ष थोड़ी बनना है, तो हम तो पद के मोह से रहित हो गए। नहीं, अभी घर के पद तो लगे हुए हैं, इनको भी छोड़ना पड़ेगा। यदि इनको नहीं छोड़ा तो भी हमारा मोक्ष मार्ग शुरू होने वाला नहीं है। तो अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान निर्पामती स्वाहा। तो अक्षय अक्षत चढ़ाने के पहले थोड़ा चिंतन करना, थोड़ा मनन करना कि अक्षय पद क्या है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज की जानकारी ना ले लो, तब तक आप उस चीज को खरीदते नहीं हो। बोलिए सही है कि नहीं है। आप बाजार जाते हो, आपको पता वो वाली कंपनी बहुत अच्छी है, दुकानदार दूसरी कंपनी का सामान बताता है, नहीं नहीं भाई साहब हमें तो वही वाली कंपनी का दिखाओ, कहते हो कि नहीं कहते हो। दुकानदार कहता नहीं भाई अभी नई कंपनी आई बढ़िया है, चलो देख लेते, नहीं नहीं पसंद नहीं आई। हाँ क्या लिखा है, पढ़ोगे पहले, पूरा परिचय लोगे, यदि आपको समझ में आएगा तो खरीदोगे, नहीं आएगा तो नहीं खरीदोगे। ये अक्षत आप कितने सालों से चढ़ा रहे हो, पता ही नहीं है क्यों चढ़ा रहे हैं। हमारे घर वाले चढ़ाते थे, हमारी मम्मी ने कहा था पूजा करना तो हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम अक्षत चढ़ा क्यों रहे हैं, हम पुष्प चढ़ा क्यों रहे हैं। नैवेद्य चढ़ाते हो, बोलिए ना, पूजा करते हो आप लोग, नैवेद्य चढ़ाते हो। नैवेद्य चढ़ाने का क्या मतलब होता है, क्षुधा रोग विनाशनाय। कौन सा रोग, रोग रोग शब्द प्रयोग किया, अब आप देखो इसको, इसमें रोग आया, रोग जैसे जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय, ऐसे रोग आया, रोग यानी बीमारी, रोग यानी भूख, क्षुधा यानी भूख, भूख बीमारी। अब इसका अर्थ निकालो, भूख बीमारी, भूख एक बीमारी है, भूख क्या है, एक बीमारी है, और भोजन एक दवाई है, भोजन एक दवाई है और भूख एक बीमारी है। समझ में आया, अरे बोलिए ना। अच्छा, यदि आपको
बीमारी हो जाए, कोई दूसरी बीमारी, चलो ये तो भगवान ने बताई वो वाली है, अभी आप इसको मानते नहीं कि छुदा बीमारी है, इसको तो आप अच्छा मानते हो। यदि भूख लगना बंद हो जाए तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेते हो कि डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही आजकल, जरा दवाई दे दो। भूख लगने की दवाई खाते, यानी बीमारी होने की दवाई खाते हो, वो भी जरूरी है। जब तक हमारा छुदा रोग नाश नहीं हो जाता तब तक शरीर के लिए उसकी यानी बीमारी की भी दवाई खाते हैं। नहीं समझे? भूख एक बीमारी है, भूख एक बीमारी है, भूख नहीं लग रही, बीमारी कम हो गई। अब भूख बढ़ाना चाहोगे कि घटाना चाहोगे? यानी बीमारी को बढ़ाने की भी दवाई खानी पड़ती है। हम ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं। हाँ जी कमल जी, भूख मतलब बीमारी को पैदा करने की भी दवाई खानी पड़ती है, ठीक है ना। अब और बीमारी है आपके अंदर और डॉक्टर ने कहा है कि ये दवाई दिन में दो बार खाना, आप कितने बार खाओगे बोलिए ना। डॉक्टर ने यदि दो बार कहा है, मान लो तीन बार कहा है, आप कितने बार खाओगे? जब तक बीमारी ज्यादा है तब तक तो तीन बार खा लोगे, थोड़ी सी कम हुई दो बार खाओगे। डॉक्टर ने कहा नहीं कि तुम दो बार खाओ, अपने मन से शुरू कर दी। फिर और कम हुई तो आपने अपने मन से एक बार की बीमारी कर दी कि एक बार बहुत है, अब नहीं खाना, अब तो ठीक हो गए होंगे। अब मुझे ये बताओ, जब भगवान महावीर ने कहा है छुदा रोग विनाशनाय, तो श्रावक को दो बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए? एक बार खाए योगी, दो बार खाए भोगी, तीन बार खाए रोगी, और जो बार बार खाए उसकी निश्चित जल्दी मृत्यु। कितने बार खाने को कहा है श्रावक के लिए? दो बार। योगी को कितने बार खाने के लिए कहा है? एक बार। और श्रावक को कितने बार? दो बार। कितने लोग हैं जो दो बार खाते हैं बोलिए भाई। ये भगवान महावीर ने कहा है जब तक आपका छुदा रोग नाश नहीं हो जाता तब तक दवाई के रूप में, किस रूप में, भोजन को किस रूप में खाना चाहिए? अरे बोलिए ना, दवाई के रूप में खाना चाहिए। आप मुझे ये बताओ, यदि आपको जब बीमारी हो जाती है तो कोई भी दवाई बड़े शौक से खाते हो क्या? अरे ये दवाई बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी लग रही है दवाई, जरूर खाएंगे ये वाली दवाई, कभी कभी ऐसा हुआ है क्या? लेकिन भोजन को दवाई मान के खाते हो या क्या मान के खाते हो? जैसे दवाई स्वाद ले ले के नहीं खाते हैं, भगवान महावीर के हिसाब से भोजन भी स्वाद ले ले के नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ, भगवान महावीर कह रहे हैं। और अब तो ये स्वादों में और ज्यादा वृद्धि हो गई है, पहले तो 56 भोग कहे जाते थे, अब तो 56,000 होंगे आपके यूट्यूब पर। हर महिला यूट्यूब खोल के भोजन बनाती है, बिना पढ़े लिखे भी यूट्यूब खोल करके और अपना काम निपटा लेते हैं, बिना पढ़े लिखे भी बढ़िया मोबाइल चला लेते हैं। तो ये 56,000 भोग चल रहे हैं जो, तो इसमें से सुबह कौन सा बनाना, शाम का कौन सा बनाना, उसको क्या पसंद है, कभी बीमारी पसंद के हिसाब से खाई क्या, दवाई पसंद के हिसाब से खाई क्या? नहीं, डॉक्टर ने जो दे दी वो खा ली, डॉक्टर ने जो लिख दी वो खा ली, ऐसी तो करते हैं, हैं? अब आप घर में भोजन करते हैं तो भोजन करते हुए यदि मान लो आपकी पसंद का भोजन ना हो, जो महिला ने घर में बनाया है वो ही भोजन करा दे, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? भाई यहाँ तो डॉक्टर ने जो दवाई दे दी आपने खा ली, कोई नानुकर नहीं करी, महिला ने जो भोजन बनाया है घर में उसमें नानुकर क्यों, वो भी चुपचाप खा लो। क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है कि भूख एक रोग है और भोजन एक दवाई है। यही बात है कि नहीं, माना कि नहीं माना, पहले तो आप ये बताओ। कितने बार नैवेद्य चढ़ा लिया आज तक? कितना नैवेद्य चढ़ाया? खूब नैवेद्य चढ़ाया, लेकिन आज तक अपनी भूख को बीमारी माना कि नहीं माना? नहीं माना। आप बताओ पूजा का फल क्या है, आप ही बताओ मुझे, मैं नहीं कह रही हूँ,
मैंने तो सारा थर्मामीटर लगा के दे दिया आपको, अब आप थर्मामीटर में देखो कि हम फेल हैं कि पास हैं। इतने हमने नैवेद्य चढ़ा लिए, कभी इधर नैवेद्य चढ़ा के गए हैं पूजा करके, और उधर घर में जाके यदि जरा सी देर हो जाए भोजन करने में, गुस्सा शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा है? तो हम भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, हर चीज का बड़ा मतलब निकालते हैं, हर चीज का इसका मतलब क्या है, यदि ऐसे नहीं करेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, यदि ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सब चीज का बड़ा मतलब निकालते हैं। पूजा का भी मतलब निकाल लिया करो, थोड़ा सा दर्शन का भी मतलब निकाल लिया करो। तो हमारी क्रिया, कहते हैं ना क्रिया बिन पाप उपाय, यहाँ आपने पाप का उपार्जन तो नहीं किया, मगर जितना फल मिलना चाहिए था उतना आपने नहीं लिया। अक्सर लोग ज्योतिषी के पास जाके हाथ दिखाते हैं, जन्म पर मेहनत तो बहुत करते हैं, फल कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जितनी मेहनत हम धर्म करने में करते हैं और भाव उसमें नहीं लगाते हैं, तो मेहनत तो बहुत करते हैं, फल कुछ भी नहीं लिया, वहां तो मिला आएगा, यहाँ लिया आएगा, ये हमारे हाथ में था, ये हम ले सकते थे, मगर हमने ना तो पूजा का फल लिया, ना दर्शन का फल लिया, ना भक्ति का फल लिया। समाप्त करूं? अरे बोलिए ना, थोड़ा और, थोड़ा और, आपके घर आ जाऊंगी सुनाने, चिंता ना करो। हाँ शाम को आऊंगी, रोज आती हूँ आपके शाम को, हाँ रात में भी आती हूँ, सुबह भी आती हूँ आपके घर, फिर उसमें सुन लेना। अच्छा मोबाइल खोलते तब भी मिल जाते हैं, ओहो हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए समय हो गया है, मैं तीन चीज़ें बोलूँगी, बड़ा ही महत्व है, सुना दूँ? हाँ वो तो ज़रूर सुनना है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पानी में खोलने का, बनिया में तोलने का, आपके जोर से बोलने का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, भगवान के झुलाने में पलने का, पंखा के झलने का, और धर्म का, भाव से धर्म करके मतलब निकालने का। नागपुर का, अच्छा, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में नागपुर का, पशुओं में खुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में मणिपुर का, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का, कोरबा का, अच्छा, आटे में रवा का, आटे में रवा का, और बीमार में दवा का, और आने वालों में कोरबा का, दिल्ली, त्रियंचो में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, दुर्ग, हाँ, गणित में वर्ग का, पक्षियों में शुतुरमुर्ग का, और आने वालों में दुर्ग का, कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाका, और आने वालों में कोटा का, मनुष्यों की जरूरत का, जहाजपुर की मूरत का, और आने वालों में सूरत का, हो गए सारे।